लसमिल्रिम्ल वबारक आल सदैदा महमद वाल सदना मौलाना महमदी मुबारिक वसलम सलात वाम रसूल वसलम आलि नबी अल्ला हम दो सलाद के बाद नहत ही काबिल तज़म नाजरीन अल्लाह तला शाह नू का कर्म और उसका एहसान है कि उसने हमें अपनी हर तरह की नेमतें अता फरमा रखी हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता फरमाई उनमें सबसे बड़ी नेमत इंसानी जिस्म में हमारा दिल है ये दिल बादशाह है और बाकी तमाम जिस्मानी आज़ा उसकी रियाया हैं पब्लिक हैं जैसा बादशाह होगा पब्लिक और आया भी वैसी होगी चूंकि जो बादशाह होता है बड़ा होता है उसका असर होता है आज इस मुख्तसर सी गुफ्तु में मैं ये बात गुजारिश करने की कोशिश करूँगा कि दिल दो तरह के होते हैं एक होता है स्याह दिल यानी काला दिल मुर्दा दिल और दूसरा होता है रोशन दिल चमकदार दिल तो पहले हम बात करते हैं इंसान का दिल किन आमाल की वजह से और कैसे इंसान का दिल काला हो जाता है और वो मर जाता है चूंकि इंसान की बनावट देखी जाए तो इंसान दो चीज़ों से मरक्ब है इंसान दो चीज़ों से बनाया गया एक हमारा इंसानी जिसम है और इस एक इसके अंदर रूह है इंसानी जिसम इस मट्टी से बना है और रूह आलम बाला आलम अमर की चीज़ है यही वजह है कि जब किसी की मौत वाकई होती है तो रूह जहाँ से आई थी वहीं चली जाती है और जिसम जहाँ से आया था वहीं चला जाता है चूँकि मिनहा खलक नाकुम वफीहा नईदकुम ममिनहा नुर जकुम तारा तनुरा कुरानी का मालूम हुआ कि इंसान दो चीज़ों से मरक्ब है रूह और जिसम मरने के बाद रूह अपनी जगह वापस गई आलम बाला में चली गई और जिसम जहाँ से अट उठा था, था बस वहीं वापस गया अब जिंदगी बादज मौत इसकी अलग आ, इसकी अलग हैसियत है इंशाल्लाह उस पर भी कभी हम जरूर कलम करेंगे और दिल इंसान के जिस्म में बुनियादी हैसियत रखता है हमारी जिंदगी का दारो मदार दिल पर है किसी का हार्ट फेल हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है आज के दौर में जबकि हर तरफ लादीनीत है हर तरफ नफसा नफसी का आलम है हर आदमी सुकून का तलब है हर आदमी सुकून ढूंढता है कि मेरा दिल सुकून में रहे लेकिन सुकून ढूंढते हुए यह ख्याल नहीं करता कि इस दिल के अंदर बेसुकूनी क्यों है बेचैनी क्यों है यह दिल मुशतरब और परेशान क्यों है तो मोहतरम सामीन नाजरीन वाज रहे कि इंसान का दिल मर जाता है और उसकी शुरुआत उसका आगाज यहां से होता है कि महबूब करीम ने फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से उसके दिल पर एक काला नुक्ता पड़ जाता है अगर वो तौबा कर ले अल्लाह के हजूर माफी मांग ले तो अल्लाह ताला उस काले नुक्ते को खत्म कर देता है उसका दिल बिल्कुल साफ पाक हो जाता है और अगर वो तौबा न करे दूसरा गुना कर ले एक नुकता और पड़ जाता है फिर गुना करे एक नुकता और पड़ जाता है यहां तक कि जैसे जैसे वो बंदा गुनाहों में डूबता चला जाएगा वैसे वैसे उसका दिल काला होता चला जाएगा इधर वक़्त वो आता है कि बंदा गुनाहों में पाँव से सर तक डूब जाता है और उधर ये होता है कि बंदे का दिल पूरे का पूरा काला और स्याह ब्लैक हो जाता है बस फिर वही निशानी है कि बंदे का दिल मर जाता है इंसान बाहिर चलता फिरता जरूर है लेकिन उसका दिल मुर्दा है फिर जब दिल मर जाए हो जाए तो फिर यह परवाह नहीं होती मेरा बड़ा कौन है मेरा छोटा कौन है हराम क्या है हलाल क्या है मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए यह बेशुमार तमीज उस वक्त जब दिल दिल ही जब मर गया तो फिर उस बाकी क्या बचा तो दिल मरने से पहले जो दिल काला और ब्लैक होता है उसकी तीन अलामतें हैं तीन निशानियां हैं जो कि याद रखने के काबिल हैं कि ये तीन अलामतें अगर तीन निशानियां पाई जाएं तो समझो कि दिल ब्लैक और काला हो चुका है बस अब अनकरीब ये मरने ही वाला है उस वक्त अगर तौबा कर ली जाए इस्तफार कर लिया जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है चूंकि तौबा का दरवाजा तो हर इंसान के लिए उसकी मौत तक खुला हुआ है सबसे पहली अलामत यह है मोहतरम नाजरीन के गुनाह करने पर इंसान के दिल में जो एक झिझक महसूस होती है वो ख़त्म हो जाती है यानी कोई जब बंदा गुनाह करने लगता है तो इंसान के अंदर बैठा हुआ एक जज और एक ज़मीर है जो उसको कहता है कि ये ना कर लेकिन वो अपनी ज़मीर की बात नहीं सुनता दिल की बात को नहीं सुनता यानी गुनाह करने में उसे कोई आर महसूस नहीं होती कोई उसको झिझक महसूस नहीं होती कोई उसको परेशानी नहीं होती तो वो धड़ल्ले से सरेआम या बगैर किसी हिचकिचाहट चाहट के बगैर किसी परेशानी के वो फौरन गुनाह कर बैठता है तो गुनाह करते वक्त जो एक दिल में लर्जा पैदा होना चाहिए एक खौफ की कैफियत पैदा होना पैदा होनी चाहिए जो पसीने छूटने चाहिए वो कुछ भी नहीं होता उसको वो जिस तरह दुनिया के आम काम करता है उसी तरह वो गुनाह भी कर देता है तो जिस तरह दुनिया के आम काम करने में उसे कोई झिझक महसूस नहीं होती बिल्कुल उसी तरह उसके गुनाह करने पर भी उसको कोई झिझक और कोई शर्मिंदगी उसको को महसूस नहीं होती नदामत नहीं होती तो ये पहली अलामत है कि जब किसी का दिल स्याह हो काला हो तो झिझक गुनाह पर ख़त्म हो जाती है और दूसरी अलामत मोहतरम नाजरीन ये है कि नेकी अच्छाई करना नेकी करना ये इंसान पर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है नेकी करने को दिल नहीं करता और फजूल कामों के अंदर दिल लगा रहता है और नेकी कामों नेकी के काम करने में अच्छाई के काम करने में इंसान का दिल उकता जाता है वो कहता है कहता है कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो मस्जिद के अंदर भी जाएगा तो जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेगा या कोई भी अच्छा काम है तो वो बहुत मुश्किल से वो करता है और तीसरी और आखिरी अलामत यह है दिले सयाह की कि जो इंसान किसी को समझाए तो समझाने वाला उसको बहुत बुरा महसूस होता है जो कोई बड़ा या कोई भी माँ है बाप है दादा है दादी है बुजुर्ग है या कोई भी बड़ा आदमी है वो अगर समझाता है तो समझाने वाला बुरा लगता है वो कहता है कि ये नसीहत मुझे ही क्यों करता है तो समझाने वाले के अल्फाज उसको अच्छे नहीं लगते तो ये तीन अलामतें हैं जब किसी का दिल स्याह और काला हो जाता है पहला मैंने अर्ज़ किया कि गुनाह करने की झिझक जो है गुनाह करने पर वो ख़त्म हो जाती है और दूसरा नेकी उसको बड़ी बोझल महसूस होती है और दूसरा तीसरा के समझाने वाला उसको बहुत ही बुरा महसूस होता है तो दुआ है अल्लाह तबारक हमारे दिल को अपने नूर से मुनबर फरमाए और अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों को स्याह होने से महफूज फरमाए आप जितने भी हमें इस प्रोग्राम को सुनते हैं साडे आला हमारा टीवी जो है इसको आप सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और लाइक करते हैं इसको आप सब्सक्राइब भी करें और आगे भी इसको श, आगे भी इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये मुफीद और अच्छी बातें पहुँच सकें आप तमाम महबाब का बहुत बहुत शुक्रिया व आखिर दावाना अनहमदिल्लाबी